तो हाजत के नफल अदा कीजिए और फिर अपने मकसद की दुआ कीजिए और फिर दो सौ मरतबा आपने कुरान पाक की सुरह सबसे पहली सुरह सुरफात को पढ़ना है अवल आखिर द्रोशफ़ के साथ और फिर जब आप अपने मकसद की दुआ कर ले उसके बाद भी आपने द्रूशफ़ पढ़ना है बहुत जबरदस्त बहुत कामयाब अमल है और इसे आपने इशा की नमाज के बाद करना है और इशा की नमाज जब आप अदा कर ले फिर आपने हाजत के दो नफल अदा करनी है अलग से और फिर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है दुआ करनी है और दो सौ मरतबा आपने सुरफा पढ़नी है और सुरहल्फातह को पढ़ने से पहले आपने ग्यारह मरतबा द्रूशीप पढ़ना है और उसके बाद आप जब दो तो सौ मरतबा सुरफ़ात पढ़ लें उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है और फिर उसके बाद आपने द्रूषि पढ़ना है और आमीन कह के चेहरे पर हाथ फेर लें और इस अमल को आपने लगातार तीन दिन सात दिन या ग्यारह दिन करना है और इन शाह तिनों के अंदर अंदर आपकी जो हाजत है वो पूरी हो जाएगी